नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लोकतंत्र में चुनाव में व मतदाता जागरूकता। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो एक जैसे अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं जिसमें राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, उनसे कुछ हटकर ये टॉपिक है। वो टॉपिक हर विद्यार्थी एक कंटिन्यूटी में पढ़ता है, कहीं से भी पढ़ता है, लेकिन ऐसे टॉपिक क्या होते हैं एग्जाम में, इन टॉपिक से क्वेश्चन उठना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब सिलेबस डिसाइड किया जाता है तो ये टॉपिक इसलिए डाले जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन हमें क्या करते हैं, क्वालिफाई और क्वालिफाई से पीछे रखने वाले इसी प्रकार के टॉपिक हमारे ये होते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक हैं और मतदाता जागरूकता, जो वोटिंग करने वाले व्यक्ति हैं उनकी जागरूकता क्यों आवश्यक है लोकतंत्र में। तो ये टॉपिक हमारे वैसे भी लोकतांत्रिक प्रणाली में हमें समझना बहुत जरूरी है और हमारी एग्जाम की दृष्टि से तो आप जानते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, लोकतंत्र में चुनाव एवं मतदाता जागरूकता को। देखिए दोस्तों, आराम से समझना, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए हमारा टॉपिक कितना, लोकतंत्र में चुनाव एवं मतदाता जागरूकता। जागरूकता का मतलब क्या होता है कि कोई चीज चल रही है लेकिन उसको हम जान नहीं पाते हैं। चल रहा है, ठीक है जी, चल लिया, कोई दो चार जानते हैं, दो चार नहीं जानते, बाकी उस चीज में इन्वॉल्व सब लोग रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है उस सिचुएशन का कि ये क्यों है, कैसे है, हमारा इसमें क्या रोल है। मतलब जब व्यक्ति किसी भी जो चल रही है समाज में, हमारे देश में, उसके बारे में ये जानने लग जाए कि हमारे भाग लेने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और हम ये काम कर रहे हैं तो भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इस प्रकार की जागरूकता, इस प्रकार की जानकारी होती है तो मान लो जैसे वोटिंग की जानकारी हो कि हम इस व्यक्ति को चुन रहे हैं तो ये व्यक्ति कैसा होगा, कैसा किस प्रकार से काम करेगा, अगर हम जानते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम जागरूक हैं। तो ये ही टॉपिक हमारा ये बात कहना चाहता है कि मतदाताओं को जागरूक रहना चाहिए लोकतंत्र में चुनाव किस प्रकार से होते हैं, क्या महत्व है, कैसे, क्या प्रणालियां हैं, कौन करवाता है ये चुनाव, किस प्रकार से ये चुनाव होते हैं, ये सब बातें आज की क्लास में हम जिक्र करेंगे। वर्तमान में सभी देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है कि बहुत सारे देश हैं विश्व के जहां पर कौन सा लोकतंत्र अपनाया गया, प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। लोकतंत्र जनता का तंत्र, जनता जैसे चाहती है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसे क्या होता है, हमारे देश में विधानसभा है, लोकसभा है, इनमें क्या करते हैं, अपन डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं और व्यक्ति को वोट करते हैं, जिताते हैं उसको। तो ये क्या हो गया, प्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी हमने देखा है भारत में ये चुनाव प्रणाली, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे, तो ये अप्रत्यक्ष होता है। कैसे, कि जनता डायरेक्ट भाग न लेकर और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। मतलब जनता राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करती, कौन करता है, लोकसभा विधानसभा के सदस्य मेंबर्स होते हैं, और उन मेंबर्स को कौन चुनते हैं, जनता चुनती है। जनता ने वोटिंग नहीं किया लेकिन जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वोटिंग किया है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रभाव दुनिया में देखा जाता है और अधिकतर यही चल रहा है कि प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलता है, जिस देश का प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन करती है। भाई शासन कौन करता है, मूल रूप से जो आत्मा जहां छिपी होती है शासन की, वो तो जनता की आत्मा ही होती है। भाई जनता जिसको चुनती है वो ही तो व्यक्ति होता है। भाई एक सिंपल सी बात है, घर में किसी बात का डिसीजन लेना है, शादी का, विवाह का, मकान बनाने का, और अन्य किसी के साथ बैठक का, किसी के साथ रिश्ता करने का, तो ये छोटे समय एग्जाम्पल की दृष्टि से यदि ये निर्णय लेते हैं तो परिवार के सदस्य क्या होते हैं कि ये व्यक्ति हमारी तरफ से जो कह देगा तो वो ही मान्य है। इसका मतलब उस परिवार ने पूरे ने भाग लिया है उस रिश्ते करने में, उस शादी विवाह में भाग लेने के लिए, मकान बनाने में, लेकिन कैसे,
कि उस परिवार ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से दिया है। उसी प्रकार से क्या है, जनता शासन करती है, लेकिन वो कैसे करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। अपने प्रतिनिधि कहते चुन लेते हैं कि ये प्रतिनिधियों को अपन चुन लिया, ये प्रतिनिधि जैसा शासन चलाएगा वैसा शासन। तो शासन चलाने की शक्ति इन प्रतिनिधियों को कौन देती है, जनता ही देती है। जनता की ओर से प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। जैसे हमने एमएलए चुन लिया, एमपी चुन लिया, सांसद विधायक हमने चुन लिया, और वो क्या करते हैं, विधानसभा में लोकसभा में बैठकर कानून बनाते हैं, वो कानून लागू करते हैं। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जनता ने और प्रत्यक्ष रूप से वो प्रतिनिधि चुना हुआ है, उसने कानून बनाया, उस वो शासन चला रहा है। मूल रूप से भावना कहां पर छिपी है, जनता ही शासन चलाती है। देखिए, जनता प्रतिनिधि का चयन व्यस्त मताधिकार के आधार पर चुनाव के माध्यम से करती है। अब ये प्रतिनिधि जो एमएलए एमपी चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं, व्यस्त मताधिकार। अब हमारे देश में देखिए व्यस्त मताधिकार के कई मापदंड होते हैं। जैसे हमारा मूल संविधान था, उसमें व्यस्त मताधिकार माना गया कि 21 वर्ष का व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम अंकित हो जाएगा वो क्या होगा, व्यस्त मताधिकार के अधिकार को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो जनता प्रतिनिधियों का चयन कैसे करती है, व्यस्क मताधिकार, क्वेश्चन यहीं से उठना स्टार्ट हो जाता है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन कैसे करती है, व्यस्क मताधिकार के आधार पर। जो व्यक्ति वर्तमान मूल संविधान है, मूल संविधान इसमें मतदान की आयु क्या रखी गई, मतदान की आयु 21 वर्ष, और वर्तमान में क्या रखी गई है, वर्तमान में कितनी है, 18 वर्ष। ठीक है जी। अब देखिए भारत में व्यस्क मताधिकार की आयु मूल संविधान में 21 वर्ष थी। आप सबको पता है कि मूल संविधान में 21 वर्ष के व्यक्ति जो हो गया उसको वोटिंग करने का अधिकार है, वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है, वो अपने एमएलए एमपी को चुन सकता है। फिर हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989। ये संविधान संशोधन करके दोस्तों 21 वर्ष की आयु को कम करके और कितनी आयु कर दी गई है, 18 वर्ष का जो व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है, जो मतदाता सूची में जिसका नाम पंजीकृत हो गया है, वो ही क्या करेगा, वोटिंग करेगा। अर्थात जनता अपना चयन, जनता अपने प्रतिनिधि का चयन कैसे करते हैं, व्यस्क मताधिकार। और व्यस्क मताधिकार वर्तमान में कितने उम्र के व्यक्ति को मिला हुआ है, 18 वर्ष, इससे ऊपर के न्यूनतम उम्र की गई है डिसाइड। अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है कि भैया 80 साल तक का ही वोटिंग कर सकता है, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं, न्यूनतम प्रावधान रखा गया कि 18 वर्ष का व्यक्ति वोटिंग कर सकता है, वह व्यस्क मताधिकार करने का अधिकार रखता है। ये राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार में चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट करने का अधिकार, ये सब क्या अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं। देखिए लोकतंत्र में चुनावों का महत्व क्या होता है, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है कि लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व होता है। देखिए एक एक पॉइंट को समझेंगे। सरकार का गठन होता है चुनावों के माध्यम से, क्या होता है सरकार का गठन, ऐसे तो है नहीं कि लोकसभा में मन में आ गई वो ही व्यक्ति जाकर बैठ जाएगा। 543 सदस्य जो वर्तमान में चुने जाते हैं लोकसभा में, जिनको कौन चुनता है लोकतंत्र में, ये चुनावों के माध्यम से होता है। अब महत्व क्या है कि जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को जानना चाहिए कि अपना प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, ये प्रतिनिधि क्या हमारे लिए कैसे कानून बनाएगा, किस प्रकार से विकास के काम करवाएगा, किस प्रकार से देश हित में निर्णय लेगा। तो ये क्या है, चुनावों के माध्यम से किसका गठन होता है, सरकार का गठन होता है। आपने देखा होगा कि 5 वर्ष बाद में लोकसभा नई गठित होती है, अर्थात नई सरकार बनती है। विधानसभा के चुनाव होते हैं, राज्यों की सरकार बनती है, स्थानीय स्वशासन की सरकार बनती है, चुनाव होते हैं। तो सरकार का गठन किससे होता है, चुनावों के माध्यम से। चुनाव हमारे देश में एक उत्सव की तरह मनाए जाते हैं और सभी व्यक्ति इसमें बहुत अच्छे से अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती जा रही है कि अपना प्रतिनिधि, अपने ऊपर शासन करने वाला
और अपने लिए कानून बनाने वाला, कल्याण के काम करने वाला कैसा व्यक्ति होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जागरूक हो गया है। तो चुनाव से क्या होता है, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व हुआ, इससे एक तो सरकार का गठन होता है, तो ये बात याद रखनी। सरकार को वैधता, वैधता मतलब वो कानूनी अधिकार जो हम सबको मान्य होते हैं उसको वैधता। भाई हमने चुना एक विधायक को, हमने चुना है और वो विधायक बैठ के, वो विधायक, वो सरकार, वो बैठकर कानून बनाती है तो उस कानून को वैधता प्राप्त होती है। क्यों होती है वैधता प्राप्त उस कानून को, क्योंकि उस सरकार को किसने चुना है, हमने ही तो चुनावों के माध्यम से चुना है। बताऊं कि सर घर में कोई निर्णय लिया जाता है, एक व्यक्ति को हम डिसाइड कर देते हैं कि ये व्यक्ति जो कहेगा वो सही है, अर्थात उसकी बात को हमने क्या कर दिया है, वैध कर दिया है, उसको वैधता दे दी है। तो सरकार में जो व्यक्ति बैठे हैं उन्होंने, जनता ने ही उनको वैधता प्रदान की है कि हमारे ये प्रतिनिधि हैं, ये कानून बनाएंगे, हम सबके ऊपर लागू होंगे। तो सरकार को वैधता प्राप्त होती है किससे, चुनावों के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि मेरे को प्राप्त हो गई, आपको हो गई, किसको होगी। जो विधानसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, और कौन भेजता है, जनता भेजती है वोटिंग के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से। तो चुनावों के माध्यम से सरकार को वैधता प्राप्त होती है। सरकार की तानाशाही पर रोक, देखिए चुनाव के माध्यम से, चुनाव कौन करता है, आम पब्लिक करती है। भाई हमने चुन लिया और वो व्यक्ति तानाशाही करने लग गया तो दूसरी बार हम वोट नहीं देकर उसको हटा देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, चुनाव के माध्यम से हम उस व्यक्ति को हटा देते हैं, अगली बार जब वो चुनाव लड़ेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। इसका मतलब उस व्यक्ति के मन में भय रहता है, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति सही काम करता है, तानाशाह नहीं होता है कि मन में आए जो भी रूल्स रेगुलेशन कोई भी ऐसा लागू कर दे कि जनता के हित में नहीं हो। तो ऐसा क्या होता है, चुनाव का बड़ा महत्व है कि चुनाव के समय नेता अपने आम जनता के पास ही आते हैं, उनको डर रहता है कि यदि हम गलत निर्णय लेंगे तो हमें चुनाव में जीतने नहीं दिया जाएगा। क्रांति पर नियंत्रण, चुनाव के माध्यम से क्या होता है, क्रांति पर नियंत्रण, कि क्रांति नहीं हो पाती है, चुनाव के माध्यम से जनता जागरूक रहती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और सही नहीं होता तो 5 वर्ष बाद में उनको हटा देती है। सत्ता परिवर्तन, यह आपने देखा ही होगा भाई, कभी किसी राजनीतिक दल का सरकार बनती है, कभी किसी की बनती है, तो ये किससे होती है, चुनावों से तो होती है। जैसे भारत की बात करूं मैं कि 2014 से पहले किसकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और 2014 के बाद में एनडीए की सरकार है। मतलब सत्ता का परिवर्तन हुआ कि नहीं, किसके माध्यम से, चुनावों के माध्यम से हमने सत्ता का परिवर्तन किया ना। तो चुनाव का कितना महत्वपूर्ण योगदान है कि चुनावों के माध्यम से हम सत्ता को परिवर्तित कर देते हैं। राजस्थान की बात बताऊं कि कभी किसी की सरकार बनती है, कभी किसकी सरकार बनती है, किसके माध्यम से बनती है, वो चुनावों के माध्यम से। हम चुनाव करते हैं, सरकार सही नहीं होती, उसको बदल देते हैं, सत्ता को परिवर्तित कर देते हैं, सत्ता में दूसरे व्यक्तियों को जनता ले आती है। तो इसलिए चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राजनीतिक जागरूकता व शिक्षा, चुनावों के माध्यम से क्या होती है, राजनीतिक जागरूकता आती है और राजनीतिक शिक्षा भी उनसे प्राप्त होती है कि हम सबको ये पता होता है कि चुनाव में वोटिंग करने के लिए क्या चाहिए, मतदाता सूची चाहिए, अपना वोटिंग कार्ड चाहिए, फिर हम किस प्रकार से वोटिंग करेंगे, ये सब शिक्षा किससे आती है, इनकी राजनीतिक जागरूकता किससे आती है, चुनाव के माध्यम से आती है। जब जब चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा, आपने देखा होगा कि भारत का या अन्य किसी भी देश में देखिए चुनावों के समय इसमें नागरिकता को क्या होता है, सक्रियता हो जाती है कि अपने प्रतिनिधि की तरफ, दूसरे प्रतिनिधि की तरफ, इस प्रकार की क्या होती हैं, ये क्या होती है, सक्रियता तो होती है कि आलोचना भी करते हैं, हम प्रतिनिधियों की, सरकार की आलोचना भी कर देते हैं, ये क्या है, आलोचना करना क्या है, ये सक्रियता तो है कि गलत नियम कानूनों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, तो ये क्या है, नागरिक, तो नागरिकों की सक्रियता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, देखिए चुनाव ये क्या है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 के बीच बड़ा फैक्ट क्यों सुनाता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग का उल्लेख कहां पर किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में केंद्रीय चुनाव आयोग का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। तो आपको याद रखना है इन चीजों को,
और देखिए चुनाव आयोग के बारे में, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था होना जरूरी है। ये बात तो अपन वैश्विक जीवन में भी जानते हैं कि कोई भी एक मुखिया को चुनते हैं किसी भी तरीके से, तो ये जिम्मेदारी होती है कि वह व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के एक ही पक्ष की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। तो चुनाव करवाने के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी पार्टी विशेष के प्रति काम करती हो, वह स्वतंत्र होनी चाहिए निर्णय लेने में, वह निष्पक्ष होना चाहिए किसी के लिए भी हो लेकिन निष्पक्ष निर्णय होना चाहिए। भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की है। ध्यान रखना, गजब का फैक्ट है कि भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। अभी हमने देखा कि चुनाव में भाग कौन लेती है, जनता भाग लेती है, लेकिन वो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भी तो किसी की होती है ना। वो जिम्मेदारी होती है किसकी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की होती है। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में, ये एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय कहें, आयोग कहें, संस्था कहें, ये संवैधानिक आयोग है। क्यों है संवैधानिक आयोग? बाकायदे केंद्रीय निर्वाचन आयोग का, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच इसके कार्यों का, इसके उद्देश्य का सब उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, क्योंकि हर एक बात का किस प्रकार से चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे, किस प्रकार से इनकी कार्यशैली होगी, कितने व्यक्ति इस चुनाव आयोग में होंगे, ये सब बातें कहां पर लिखी हुई हैं? संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में। निर्वाचन आयोग का गठन, देखिए अब जो बात कर रहे हैं अपन कि कौन करवाता है, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के पास। अभी इस राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? संविधान में कहां पर इसका जिक्र मिलता है? तो ये जिक्र मिलता है अनुच्छेद 324। 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है? 25 जनवरी 1950 को। अब देखिए प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त जो प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त था, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन ने उस समय निर्वाचन आयोग का एक सदस्य निकाला था। देखिए जब इसका स्थापना की गई, गठन किया गया 25 जनवरी 1950 को, तो उस समय केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। कितने सदस्य था? एक सदस्य निकाय था ये। कितने सदस्य निकाय था? एक सदस्य निकाय था। इसमें केवल एक ही चुनाव आयुक्त तो होता था, इसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते थे। प्रथम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। देखिए आगे, अब इसमें जो चुनाव आयोग था इसमें क्या लिखा हुआ था कि समय समय पर राष्ट्रपति चाहे तो उसमें जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं उनमें बढ़ोतरी कर सकता है, कि राष्ट्रपति चाहे तो उनमें बढ़ोतरी कर सकता है। तो 16 अक्टूबर